तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मेगा फैक्ट में। और आज का जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बिग अपडेट के साथ। मैं यहाँ पे आया हूँ जो YouTube ने अभी हमारे ऊपर लगा दिया है, हम सभी यूट्यूबर्स के ऊपर लगा दिया है, जो कि इफेक्टिव होगा 10 दिसंबर से। तो जी हाँ, ये जो अपडेट है आपको जान लीजिए, दो अपडेट लेकर के मैं आपके पास आया। तो सबसे बड़ा अपडेट जो है, जो कि हम सभी को हैरान और परेशान कर सकता है, कर दिया है इस अपडेट ने, वो ये है कि YouTube ने अपनी पॉलिसी में ये बताया है कि वो चैनल जिससे YouTube को कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, वो चैनल YouTube टर्मिनेट कर देगा। और ये जो विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 दिसंबर, जी हाँ 10 दिसंबर से ये लागू हो जाएगा। कॉमर्शियल व्यूइंग एंगल से आपका चैनल अगर नहीं देखा जा रहा है, अगर आपके चैनल पे इट डजेंट मैटर कि आपके चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है और उस पर एड्स आ रहे हैं, तो अगर आप, ऑब्वियसली बात है यूट्यूब बिजनेस कर रहा है, अगर यूट्यूब को कोई भी फ़ायदा नहीं लगता है आपके चैनल से, तो वो क्यों आपके चैनल को रखेगा? वो भी सारी सुविधाएँ आपके पास जो है वो सब आपसे ले लेगा, आपके ना ही चैनल को भी वो टर्मिनेट करेगा, बल्कि आपसे गूगल ड्राइव और जहाँ फ़ोटो शेयर करते हैं, स्टोर करते हैं भारी मात्रा में, वो सभी फीचर्स जो भी आपको मिले हैं, वो सभी चीज़ें YouTube आपसे ले लेगा। हालांकि YouTube ने अभी बारीकी से नहीं बताया, एग्जॉस्टिव डिटेल नहीं दी है कि वो किन किन चैनल्स के साथ ऐसा करने वाला है। और आपको एक बात मैं रियलिटी बता देता हूँ, लाखों के जिसके सब्सक्राइबर रहते हैं, वो भी YouTube को बहुत ज़्यादा कमा करके नहीं दे पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 20,000, 50,000, वो भी ज़्यादा कमा के इतनी कमाई नहीं हो पाती है YouTube पे जितना कि लगता है। एड्स से जो पैसे आते हैं, आपको पता है कि $100 जैसे ही हमारे अकाउंट में आ जाते हैं, तो पहले ही वो $40, $40 वो काट लेता है YouTube, $60 हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। एडसेंस में हमारे $100 होना ज़रूरी होता है, तब वो वहाँ से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, आपने जब पिन विन वेरीफाई कर दिया है। तो एक आगे ट्यूटोरियल टाइप का मैं लगातार लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा कैसे चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं, कैसे होता है, कैसे पिन और एड्रेस वेरीफाई करते हैं। तो जो सबसे बड़ी खबर थी, मैं आपको बताता हूँ कि आपके चैनल से अगर YouTube को कोई भी फ़ायदा, प्रॉफिट नहीं दिखता है, तो वो आपके चैनल को टर्मिनेट कर देगा। आपको पता होगा कि ये जो खबर है वो नए यूट्यूबर के लिए काफ़ी डीमोटिवेटिंग होगी, क्योंकि नया यूट्यूबर भैया अभी आते ही कहाँ से उसके पास सब्सक्राइबर आ जाएंगे, आते ही कहाँ से उसके पास व्यूज़ आ जाएंगे, आते ही मोनेटाइजेशन कहाँ से करा लेगा वो। और दूसरी चीज़ ये थी कि पहले इन्होंने नियम रखा था कि 10,000 आपका 1,000 हो जाएगा तो फिर आपके चैनल को पास कर लेता है, फिर उसके बाद इन्होंने रखा 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए साल भर के अंदर, फिर अभी इन्होंने नया अपडेट लाया है अपने हिसाब से। तो इतनी जल्दी जल्दी पॉलिसी कपड़ों की तरह चेंज करता है YouTube, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये जानकारी आपको पता होना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी जानकारी मैं लेकर के आया हूँ वो ये है कि आप अभी तक क्लासिक वर्जन जो था YouTube का, वो यूज़ कर रहे थे, आप उससे वाकिफ़ होंगे कैसे क्लासिक वर्जन यूज़ किया जाता है। दूसरा जो अपडेट, बड़ा अपडेट ये है, क्लासिक से बेटा स्टूडियो आ गया है। अगर आपको बेटा स्टूडियो नहीं चलाने आता है तो आप वो सीख लीजिए, बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट अगर आप अपना देंगे, एक दिन का भी 20-25 मिनट देंगे, 20-25 मिनट आप टोटल देंगे तो आप बेटा वर्जन सीख लेंगे। बेटा वर्जन सीख लीजिए, क्योंकि दिसंबर के बाद से क्लासिक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और बेटा वर्जन आ जाएगा, और आपको उस पर वीडियो अपलोड करना, सारी चीज़ें चलाना आनी चाहिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक अपना स्कोप देख रहे हैं यूट्यूबिंग करियर में, फील्ड में, तो आपको बेटा चलाना आना चाहिए, आप सीख लीजिए इससे पहले कि वो बंद करें। आप बाद में सीखें, आप पहले सीख लीजिए, और वो दिसंबर के बाद, ये तो कंफर्म है दिसंबर के बाद वो बंद हो जाएगा, तो आप बेटा वर्जन सीख लीजिए, क्लासिक का पुराना हो चुका है। और दूसरी चीज़ है ये है कि जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, जरूरी नहीं है, ये अभी YouTube ने नहीं बताया है कि वो कौन से चैनल्स होंगे जिनको वो टर्मिनेट करेगा, बंद करेगा सर्विस सारी। बहुत जल्द नए अपडेट के साथ मैं मिलूँगा, बहुत जल्द मिलूँगा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आपने इतना सपोर्ट किया है, इतना सराहा है आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।